हेलो गाइस, मैं हूँ कैफ फ्रॉम नॉइस्टेक और ये है वन प्लस का पहला बजट फोन वन प्लस नॉर्ड। बजट मतलब अंडर 30,000 वाला प्राइस ब्रैकेट। मैं इस वीडियो में आपको एकदम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ही बताऊंगा, वो सब आपने पहले देख ली थी। यहाँ पे बात की जाएगी बिल्ड क्वालिटी कैसा है दो साल बाद, परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बाद बैटरी लाइफ दो साल बाद कैसी है, सॉफ्टवेयर में क्या चेंजेस है दो साल बाद, उसके बाद डिस्प्ले क्या आज के फोन के हिसाब से सही है कि नहीं है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और कमेंट करके ये पहले जरूर बता देना अगला लॉन्ग टर्म रिव्यू आपको किसका चाहिए। आप लोगों को तो पता ही होगा इसमें डिजाइन कैसी, इसमें मटेरियल्स क्या यूज किया, आगे पीछे गोरिल्ला ग्लास 5 था, बीच में प्लास्टिक का फ्रेम था। ऑफ कोर्स कॉस्ट कटिंग बजट वजट सब कुछ हम बोल सकते हैं, बट भाई दो साल ढाई साल बाद आज भी ये फोन मेरा इंटैक्ट है। प्लास्टिक फ्रेम होने के कारण यहाँ इस फोन में हल्का फुल्का डिस्कलरेशन देखा मैंने, बहुत हल्का फुल्का। एंड यस, ये फोन प्लास्टिक है, इसके कारण यहाँ पे फ्रेम पे डेंट बहुत जल्दी आ जाते हैं अगर फोन गिरता है। मेरा फोन ऐसे कोई फ्लैट जोरदार नहीं गिरा है बैक पे, इसलिए ये कुछ नहीं हुआ। बट मेरे एक फ्रेंड के पास भी वन प्लस नॉर्ड है, उसका फोन फ्रिज के ऊपर से गिरा था ऑलमोस्ट 5-6 फीट की हाइट से एंड बैक पैन अच्छा खासा क्रैक हो गया था। तो भाई ग्लास है, ग्लास टूटेगा। अगर आपका फोन नॉर्मल ऐसे 2-3 फीट के ड्रॉप से गिरता है देन मैं बोलूंगा शायद आपके फोन को कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं तो टूट सकता है। ये फोन 2 साल प्लस यूज हो गया है एंड फिर भी अभी तक ठीक है। और भाई यहाँ पे वन प्लस का अलर्ट स्लाइडर भी है। अभी जो बजट के फोन आ रहे थे 30-35 हज़ार 40 हज़ार, वहाँ पे ऐसा दिख रहा था वन प्लस ने अलर्ट स्लाइडर को निकाल दिया, जैसे 10R में निकाला, 10T में निकाला, मे बी अगले नॉट 3 में भी निकाल दे, अभी कुछ पक्का नहीं है। 11 में तो दिया पर वो फ्लैगशिप फोन थे, वैसे ही यहाँ पे वन प्लस ने अलर्ट स्लाइडर दिया था। और भाई ये एक पहचान है वन प्लस की, मेरे हिसाब से आगे के नॉट फोन में भी ये होना चाहिए। एक चीज मिसिंग थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टेरियो स्पीकर्स नहीं थे, ऊपर स्पीकर नहीं है, सिर्फ एक मेन स्पीकर है जो इतना ज्यादा लाउड नहीं लगा पहली बार मुझे, डिसेंट क्वालिटी का है एंड वहाँ पे थोड़ा सा बेस भी कम है तो आपको इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा। अगर आप वायरलेस डिवाइसेज यूज करो तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, वायरलेस से याद आया हेडफोन जैक नहीं दिया यहाँ पे, वो एक प्रॉब्लम था, तो आपको पूरा टाइम ब्लूटूथ कनेक्शन पे ही डिपेंड करना पड़ेगा। इसका डिस्प्ले छोटा था 6.44 इंच का एंड मुझे ये फोन का आज के टाइम के हिसाब से इन हैंड फील काफी पसंद है। आजकल सारे फोन 6.6-6.7 ऐसे जा रहे हैं जिसके कारण ये काफी कॉम्पैक्ट साइज लगता है। इस फोन का डिस्प्ले मैंने बता दिया कॉम्पैक्ट है, आपको हाथ में अच्छा फील होगा, पर एक प्रॉब्लम ये है यहाँ पे 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया था जिसके कारण ये फोन उतना ज्यादा स्नैपी नहीं है। बट अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ स्नैपड्रैगन 765G के कारण आज भी ये फोन स्नैपी स्मूथ लगता है, आपको 90 हर्ट्ज पे मजा आएगा। ऐसे नहीं है कि आपको एकदम ज्यादा प्रॉब्लम होगी, 120 हर्ट्ज नहीं है, इसीलिए मैं जनरली 120 हर्ट्ज पूरा टाइम चलाता हूँ एंड फिर भी मुझे 90 हर्ट्ज पसंद आया, काफी स्नैपी परफॉर्मेंस है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है 2 साल के बाद भी आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है यहाँ पे वन प्लस का ये नॉर्ड। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले भी ये आज के फोनों को प्रॉपर टक्कर दे सकता है क्योंकि HDR10 सपोर्ट कर जाता है। आउटडोर ब्राइटनेस रिलेटेड इशू मुझे इस फोन में नहीं दिखा, आपको आउटडोर धूप में भी ये फोन विजिबल रहेगा। हाँ थोड़ी सी कम ब्राइटनेस है बट इतनी कम नहीं है कि आपको आउटडोर में प्रॉब्लम हो, आपका ऑलमोस्ट काम निकल जाएगा। एकदम ही ज्यादा हार्श सनलाइट देन आपको हल्का फुल्का शेड लेना पड़ेगा, बाकी ऐसे कोई इशू नहीं है। एंड दूसरी चीज मैंने यहाँ पे देखा ऑटो ब्राइटनेस स्टार्टिंग से ही, मेरे फ्रेंड के पास भी वन प्लस नॉर्ड था तो उसने जब से नॉर्ड लिया था उसको हल्का फुल्का ऑटो ब्राइटनेस में गड़बड़ करता था ये फोन एंड अभी भी ये फोन हल्की फुल्की ऑटो ब्राइटनेस में गड़बड़ करता ही है। आजकल तो 20,000-25,000 के प्राइस ब्रैकेट में कई बार ब्रांड्स आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर स्किप कर देते हैं, वन प्लस ने यहाँ पे दिया था एंड काफी अच्छा काम करता है फोन, स्नैपी है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ एक आध बार कभी कभी गड़बड़ करता है, कोई मेजर चीज यहाँ पे नहीं लगी। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले भी ऑलमोस्ट आज के सारे फोन को टक्कर दे पाता है क्योंकि यहाँ पे HDR10 सर्टिफाइड डिस्प्ले, Wide ONL1 का सर्टिफिकेशन है, हाई क्वालिटी कंटेंट आप इंजॉय कर सकते हो, डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छा है क्योंकि अच्छा क्वालिटी का पैनल यहाँ पे यूज किया, सारे डीप ब्लैक्स एकदम प्रॉपर है, कलर्स वाला डिस्प्ले का कैलिब्रेशन वैलिब्रेशन प्राइस के हिसाब से काफी सही किया था उस टाइम पे वन प्लस ने, उस टाइम पे क्या आज के टाइम पे भी ये डिस्प्ले का क्वालिटी अच्छा है। मुझे नहीं पता कोई अपडेट में अगर वन प्लस ने आप लोगों के फोन बिगाड़े होंगे, ग्रीन लाइन व्रीन लाइन आ गई होंगी, ऐसा वन प्लस ने बहुत किया है। फिलहाल मुझे मेरे नॉर्ड में ये प्रॉब्लम तो नहीं आई है ऐसी कुछ, बाकी डिस्प्ले क्वालिटी इज डेफिनेटली ऑन पार आज के डिस्प्ले के हिसाब से। अभी के फोन में अगर आप 20,000 के प्राइस ब्रैकेट में कोई फोन लेने जाओगे ना तो यहाँ तो आपको 90 हर्ट्ज के साथ TFT या LCD मिलेगा एंड अगर आपको गलती से AMOLED मिल गया तो वहाँ पे हाई रिफ्रेश रेट मिलने का चांस बहुत कम है। कैमरा आप लोग को पता था कि OnePlus Nord का उस टाइम पर भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं था एंड ऑफ कोर्स आज अपडेट्स होने के बाद भी अभी भी इतना ज्यादा कोई अच्छा नहीं है, ठीक ठीक कैमरा मैं बोल सकता हूँ, काम चलाओ कैमरा, हाँ आज के 20,000-22,000 के फोन के हिसाब से उनसे कंपेयर किया जाए तो डिसेंट कैमरा है बट नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। OnePlus ने इतना अच्छा कैमरा के लिए टारगेट नहीं किया था, भले से 48 मेगापिक्सल का सेंसर दिया यहाँ पे बट उतनी ज्यादा अच्छी फोटोज मुझे यहाँ पे नहीं लगी थी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपोजर कहीं हल्का फुल्का HDR कलर्स वालर्स थोड़े से ओवर सैचुरेटेड वहाँ पे प्रॉब्लम था ही, बाकी ऐसा कोई मेजर कंसर्न नहीं है ये। इसके बाद यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड भी दिया था 8 मेगापिक्सल का जहाँ आपको अच्छा खासा कलर शिफ्ट देखने मिलता है, फोटो सॉफ्ट हो जाती है, क्वालिटीज के इशू, मैक्रो सेंसर जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, सेल्फी कैमरा भी डिसेंट क्वालिटी का था, ऐसा कोई मेजर नहीं। इस प्राइस ब्रैकेट में वन प्लस ने कैमरा को टारगेट मेरे हिसाब से नहीं किया था। तो भाई ये फोन एंड्रॉइड 12 पे, एंड्रॉइड 13 आ गया, ये फोन एंड्रॉइड 10 के साथ आया था, इसको वन प्लस ने 2 अपडेट्स दे दिए जो बताए थे भाई, एंड्रॉइड 12 तक लाके इसको छोड़ दिया। एंड अगर मैं सिक्योरिटी
सिक्योरिटी पैच की बात करूं तो सिक्योरिटी पैचेस इसको मिल रहे हैं जनवरी 5 2023 का सिक्योरिटी पैच है, तो 2+1 ऐसे 3 इयर्स का सिक्योरिटी पैच यहां पे आपको देखने मिल जाएगा। एंड्रॉइड 12 पे होने का एक फायदा भी है, ये फोन पूरा का पूरा कलर ओएस नहीं हुआ है, इसमें ऑक्सीजन ओएस का थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन बचा हुआ है, पूरी तरह से कलर ओएस नहीं हुआ। मतलब वन प्लस ने एंड्रॉइड 12 के लास्ट में स्टार्ट कर दिया था इसको कलर ओएस बनाना, एंड्रॉइड 13 को तो पूरा ही कलर ओएस बना दिया। एंड्रॉइड 12 में यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ऑक्सीजन ओएस की थीमिंग वीमिंग दिख जाएगी, अभी भी आपको ऐसा लगेगा सेटिंग में हाँ आप ऑक्सीजन ओएस प्रॉपर ऑक्सीजन ओएस यूज कर रहे हो। मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर वाइज डिसेंट फोन है ये, अभी भी आपका एक साल डेढ़ साल चल जाना चाहिए। और मेरे पास ये 12 256 GB वाला वेरियंट है जो आज भी परफॉर्म काफी अच्छा कर रहा है। एक और कंसर्न था इस फोन का, इसकी बैटरी लाइफ। उस टाइम पे जब ये लॉन्च हुआ था 4115 mAh की बैटरी थी यहाँ पे, एंड अब तो और कम हो गई होगी, 2 साल हो गए तब ये फोन मैक्स टू एक्स 5 घंटे की स्क्रीन ऑन टाइम देता था, अब तो 4 साढ़े 4 घंटे के आसपास देता है, इतनी अच्छी बैटरी लाइफ नहीं है। हाँ आपको एक अच्छा 30 वॉट का डैश चार्जर मिलता है बॉक्स के अंदर, डैश चार्जर, तो डैश चार्जिंग से ये डिसेंट चार्ज हो जाता है, अच्छा मतलब 1 घंटे से 75 मिनट्स के बीच में ये फुल चार्ज हो जाता है क्योंकि बैटरी छोटी है। यहाँ पे चार्जिंग स्पीड यहाँ पे डिसेंट दी गई है उस टाइम के हिसाब से, बट बैटरी लाइफ थोड़ी बहुत कम पड़ेगी आपको। मेरे हिसाब से अगर आपको एकदम हैवी यूजेज है देन मे बी आपका दिन नहीं निकलेगा, लाइट यूजेज पे चल जाएगा, इतना कोई मेजर इशू नहीं होगा आपको। एंड हाँ यहाँ पे आप 5G भी आ गया, स्पीड्स है मैंने स्पीड टेस्ट किए, डिसेंट स्पीड्स है, एकदम ज्यादा हाई नहीं, अच्छी स्पीड्स दे देता है। एंड उसी के साथ साथ आप 5G अगर यूज करते हो तो आपको बैटरी कंजम्पशन काफी ज्यादा देखने मिल जाएगा। तो यस 2 साल बाद भी आज भी ये फोन अच्छा है, थोड़ा बहुत कलर वाइज बन गया है, पूरी तरीके से नहीं बना क्योंकि एंड्रॉइड 13 इसको नहीं आया, अभी भी ये 20,000-22,000 वाले प्राइस ब्रैकेट के फोन के साथ इजीली कंपीट कर जाता है। परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, एक साल डेढ़ साल आराम से और आपका निकाल देगा ये। यस कहीं पे लैगिंग है, जैसे कैमरा थोड़ा सा लैग कर जाता है, 90Hz है 120Hz जहाँ पे आपको मिल जाता है, बट कहीं ना कहीं अच्छा एमोलेड ओएलईडी डिस्प्ले मिल रहा है। ये फोन एक साल तो मिनिमम और चल जाएगा जब तक आपको एकदम एंड्रॉइड 13 एंड्रॉइड 14 की उत्सुकता नहीं है, एंड होपफुली OnePlus कोई अपडेट देके इसको बिगाड़ ना दे, जैसे लाइन वाइन स्क्रीन में डाल दी या कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना कर दे, होपफुली वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कौन सा अगला फोन का लॉन्ग टर्म रिव्यू करना चाहिए। बहुत से लोगों ने बोला था मुझे नॉर्ड का करो, इसलिए हमने नॉर्ड का किया। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड हमें चैनल को सब्सक्राइब भी करके चले आना। बाय बाय।